हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अभी हमारा मॉर्निंग हो गया है, मैं नहा धोवा के रेडी भी हो गई हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। अच्छा चलो, चलो चल रहे हूँ तो चलते हैं अभी ब्रेकफास्ट के लिए। सब लोग वेट कर रहे हैं, हम ही लोग लेट हो गए। मैं ये वाली साड़ी पहने सुबह हो गया। अज़ा भाई कानपुर में भी संस्कारी बहू वाला रोल है। तो गाइज अभी हम लोग आ गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए और रात में इतना लेट आए थे ना कि मतलब सुबह 10 से 11 बजे तक हम लोग सोए ही रह गए थे। सबकी हालत ख़राब हो गई थी, रात भर जगो फिर दिन में लेट सो, तो तबीयत भी मेरा ख़राब हो गया था। बट कोई नहीं, अभी हम लोग जल्दी से नहा धोवा के फिर रेडी होके आ गई हूँ और मैं साड़ी वियर की हूँ। आपको भी पता है कि मैं ससुराल की फैमिली के साथ आई हूँ, तो फिर मैं साड़ी वियर कर रही हूँ यहाँ पे। कोई और ड्रेस दूसरा लाई भी नहीं हूँ, बस सूट पहन के आई और सूट पहन के जाऊंगी। तो फिलहाल आप मेरे ब्लॉग में बने रहो, एंजॉय करो। लो लो लो, ये फोन ले लो। देखो जी, देखो भैया, यहाँ से शुरू करना, जैसे ना यहाँ से जल डालते हुए शुरू करना, अब हाथ रुकने ना पाए, है ना। वो बिजली के बगल से ऐसे पानी ज्यादा ना फैलने पाए। इधर आओ, इधर इधर आप ही जल ना गिराओ भैया, देख लो। हाँ बेटा रुक जाओ थोड़ा सा। हाँ अभी हाँ भैया गिराओ थोड़ा सा। अब हम वो बीटू की तरफ जाओ, बीटू बीटू पीछे मुड़ जाओ। हाँ 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 लेते हो लेते हो। हाँ इनके पैर का अपना सिर रखना दोनों लोग। चलो आप गाइस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं तिलक चढ़ाने, मतलब अपने होटल से जा रहे हैं उनके होटल में जहाँ पे तिलक चढ़ेगा और जहाँ पे शादी होगी वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, सब लोग निकल के अभी हम लोग थोड़ा सा लेट हैं। अभी 2 बज रहे हैं, फिर वहाँ से हम लोग खाना पीना खा के आ जाएंगे, फिर शाम के लिए शादी के लिए रेडी होंगे। बाकी बस आप मेरे ब्लॉग में बने रहो।
तो इसी वाले होटल में हम लोग रुके थे जो श्री देव विला है कानपुर में, यहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं। और यहाँ से फिर हम लोग रेडी हो के जा रहे हैं, थोड़ा सा आगे दूरी पे है बैंक्वेट हॉल, जो कि उसी में शादी होगी, मैरिज हॉल बैंक्वेट जो भी आप बोलो उसमें शादी होगी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी चलते हैं पहले वहाँ पे। और ये है, और मैं एक चीज़ और बता दूँ ना कि ये जो बैंक्वेट है ना ये उन्हीं का है, मतलब जो दूल्हा है ना, जो जिनकी शादी हो रही है, जो दूल्हा है उन्हीं का ये अपना बैंक्वेट है, यहीं से शादी हो रही है, उनका स्कूल वगैरह भी है। खैर ये बहुत ही अच्छा है, मतलब पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा, रियली काफ़ी खूबसूरत है और बहुत बड़ा है, इसका डिज़ाइनिंग वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा लगा। और मैं तो बहुत ही ज़्यादा फ़ोटो शूट करवाई हूँ, वीडियोस भी बनवाई हूँ, बाकी आपको तो मेरे ब्लॉग में सब कुछ देखने के लिए मिलेगा ही। तो यहाँ पर आने के बाद हम लोग खाना खाएंगे, क्योंकि एक से डेढ़ से दो बज रहा होगा आई थिंक, मुझे लग रहा है उससे ज़्यादा ही हो रहा होगा, बट कम नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोग खाना खाएंगे, हम लोग खाना खा रहे थे इधर, तब तक ना उधर तिलक चढ़ रहा था, तो यहाँ पर तिलक चढ़ने की सब कुछ पूजा पाठ स्टार्ट हो गया है। और 2-3 बजे के करीब मैं तिलक चढ़ा और फिर रात में बारात, क्योंकि हम लोग बिहार से आए हुए थे कानपुर, तो काफ़ी ज़्यादा दूर था, बार बार तिलक और बारात ऐसे नहीं हो सकता था, एक दिन में ही सब कुछ हुआ। सबका ले रहे हैं बना, धुंधला आ रहा है जूम करने पे। बेटी कहाँ है? खाना खाया? ठीक बा, ठीक है ना। तो अभी मैं वहाँ से निकल गई हूँ, और निकलने के बाद मैं अपने पति देव से बोली कि जब कानपुर आए ही हैं तो थोड़ा सा मुझे घुमा भी दो, शॉपिंग कराने के लिए भी ले चलो, मार्केट भी चलते हैं थोड़ा सा। एक्चुअली पूरी फैमिली के साथ बस में आए हैं हम लोग और बस से चले जाएंगे, 2 दिन ही बस रुकेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, तो फिर मार्केट वगैरह शॉपिंग या कुछ घूम नहीं पाऊँगी मैं। तो मैं आ गई थी एक कपड़े के दुकान पर अथर्व के लिए ड्रेस लेने के लिए, और एक चीज़ बता दूँ कि अथर्व के लिए ड्रेस मैं लाई थी बारात में पहनने के लिए, ऐसे तो मैं आऊँगी नहीं इतनी दूर से, लेकिन वो वाला ड्रेस ना एक बार का पहना हुआ था उसका, एक बार और शादी में किसी के दूसरी शादी में पहना था वो, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक बार पहन लिया है तो फिर उसको, मतलब ऐसा मैं सोच रही थी, फिर मैं सोची नहीं चलो अथर्व के लिए दूसरा न्यू ड्रेस लेते हैं, तो चलो मार्केट के बहाने ही कुछ तो खरीद ले। तो यहाँ पर मैं अथर्व के लिए ड्रेस चूज कर रही हूँ, आप लोग बताना इसमें सबसे अच्छा प्यारा कौन सा लग रहा है, वैसे तो मुझे जो पसंद आया है वो तो मैं ले ली हूँ, और बाकी मैं अपना सारा ड्रेस वगैरह पति देव भी सब कुछ तो लाए ही थे हम लोग, अथर्व के लिए भी लाए थे बट कुछ एक्स्ट्रा इसके लिए यहाँ से ले लेते हैं, और फिर थोड़ा बहुत और भी शॉपिंग करेंगे, हल्का फुल्का घूमेंगे और फिर ऑटो पकड़ेंगे चलेंगे सीधे अपने रूम में। देखिए इधर देखो इधर, तो फाइनली हम लोग अभी जस्ट गए और अथर्व के लिए ये वाला ड्रेस फाइनल करके लाए। ड्रेस थोड़ा सा भी बड़ा है ना, एकदम साइज का ही है। हाँ उसी में था। तो ये वाला ड्रेस कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और ये वाला ड्रेस हम लोग अथर्व के लिए खरीद के लाए हैं अभी। वाओ सुपर, वाओ बेटू, वाओ हैंडसम, पापा को दिखा दो, पापा की तरफ मूव करो, वाओ बहुत अच्छे लग रहे हो, बाल झाड़ दीजिए तब खींचिएगा। बाल ठीक है, दो दो बाल ठीक कर लेता हूं। सुनिए ना, इसका तो उस टाइम पे होगा ना, अभी तो खोल देंगे ना इसको, क्योंकि सोएगा ही अभी। हाँ अभी खोलेंगे, वैसे हम खींच रहे हैं, पहले खींच देखें, ऐसा पता नहीं रहना। तो अभी ये हीरो की फोटो शूट हो रही है, और पता है मैं आपको पिछले ब्लॉग में भी बताई थी कि मेरे आने का कोई प्लान नहीं था, हम सडनली आए यहाँ पे, तो मेरे पास तो साड़ी लहंगा सब कुछ था, तो हम अपना उठाएं और चल दिए, लेकिन अथर्व के पास भी बहुत सारे ड्रेस थे, लेकिन एक होता है ना कि मैं एक बार उसको पहना दी थी तो लग रहा था कि पहना हुआ शादी में फिर पहनेगा, ऐसे माइंड में आ जाता है, तो मैं इनसे बोली कि अभी तिलक चढ़ रहा है वहाँ पे, तो हमारे कोई काम नहीं था वहाँ पे,
तो फिर हम बोले कि चलो थोड़ा सा मार्केट चलते हैं और अथर्व के लिए कोई ड्रेस लेते हैं। तो मार्केट भी बहुत ज्यादा दूर नहीं था, पास में ही था, बस हम लोग ऑटो से गए और थोड़ी देर में एक ही दुकान पे गए और वहीं पे ढंग का ड्रेस पसंद आ गया। बहुत सारे ड्रेस दिखाए वो लोग, लेकिन ये ज्यादा पसंद आया जो मैं अभी आपको दिखाई। और फिर मैं यहाँ पे आके चेक कर रही थी कि अथर्व में सही हो रहा है कि नहीं, नहीं होगा सही तो फिर ले जाके एक्सचेंज करते, बट सब कुछ सही हो रहा है एंड काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। देखो कैसे फोटो शूट हो रहा है इसका, ये देखो यहाँ पे इसका फोटो शूट हो रहा है, पूरा पोज मार मार के पापा इसके फोटो शूट करवा रहे हैं अथर्व के। हो बोल रहे हैं कि क्यों बोल रही हो, सही में बहुत प्यारा लग रहा है। और बक्सर के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी प्राइस सेम ही है ड्रेस की, काफी ज्यादा खूबसूरत ड्रेस मिल गया, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे करके ठीक है, देखो देखो मस्त फूल या एक 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 लास्ट लास्ट, देखो देखो बाहर से नहीं तो खुलवा रहा है कोई, छोड़ दीजिए अब सो नहीं सोएगा क्यों नहीं पूछ, इसे इसे हाथ मोड़ के तुम हीरो स्टाइल में। हाँ, सही में कोई खुलवा रहा है क्या? ना, ना, दीदी को ना थोड़ा सा दीदी को। तो अभी ना मम्मी वहीं पे हैं जहाँ शादी हो रही है ना, वहाँ पे मतलब जहाँ शादी होगी शाम में वहाँ पे अभी तिलक चढ़ रहा है, तो मम्मी उम्मी भाभी भी सब लोग वहीं पे हैं। मैं आ गई हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं जा रही हूँ फिर से मेडिसिन लेने। कल बस में भी ली थी और अभी सुबह में भी मेडिसिन ली थी और फिर एक बार ले रही हूँ, क्योंकि अभी हम लोग खाना पीना खा के आए हैं और ले रही हूँ ताकि रात में कोई प्रॉब्लम ना हो, ज्यादा दिक्कत ना हो, इस वजह से सोच रही हूँ दवा खा लूँ। क्योंकि मेरा भी मैं भी लहंगा पहनूंगी, लहंगा बहुत ही ज़्यादा भारी हो जाएगा मेरा, हैवी हो जाएगा, फिर मैं कैरी नहीं कर पाऊंगी, ऊपर से तबीयत खराब हो जाएगा तो और दिक्कत हुआ, इसलिए अभी कुछ मेकअप भी नहीं ज़्यादा की हूँ, आँख एकदम सूजा सूजा सा लग रहा है ना, तो मैं देखती हूँ क्या करती हूँ। वैसे मैं भी अपना लहंगा दिखाऊंगी आप लोगों को थोड़ी देर में, ओके बस आप मेरे ब्लॉग में बने रहो। अभी 4 बज रहा है, 1 घंटा हम लोग रेस्ट करेंगे 5 बजे, उसके बाद 5 बजे के बाद ना मैं रेडी होना स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि 2 से 3 घंटा आराम से लग जाएगा, कभी कभी तो दूसरे को भी करना पड़ता है तो टाइम लग जाता है ना उसमें, उसके अकॉर्डिंग ठीक है। फिर मैं मिलती हूँ। बहुत सारे लोग ना इस साड़ी के बारे में पूछ रहे थे, तो देखो गाइज ये साड़ी ऑनलाइन नहीं है, मैं ऑफलाइन खरीदी थी, मार्केट से खरीदी थी, और ये 2 साल पुरानी साड़ी है, ये मैं खरीदी थी मार्केट से, बक्सर के लोकल मार्केट से खरीदी थी, जो कि काफी ज्यादा सुंदर महंगी साड़ी है लेकिन बहुत ही सुंदर है, पूरा वर्क है एकदम स्टोन मोती का ही। तो मेरे पास कोई जल्दी जल्दी में दिखा नहीं, कुछ ऑप्शन नहीं था, तो मैं सोची चलो इसका ब्लाउज रेडी था तो मैं सोची चलो ठीक है इसी को पहन लेती हूँ। तो ये न्यू साड़ी था जो मैं आज पहनी, अभी शाम के लिए मैं लहंगा पहनूंगी शादी में, उसका भी दिखाऊंगी थोड़ी देर के बाद, तब तक मैं अपना फोन चार्ज कर लूँ। तो अब मैं जा रही हूँ रेडी होने, मैं अपना सारा मेकअप रिमूव कर ली हूँ, फिर से मैं मेकअप करूँगी और ये वाला ब्लॉग मैं यही पेंड करती हूँ, मिलती हूँ कल नए ब्लॉग में, तब तक बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय।